रूसी ठिकानों पर कहां यूक्रेनी ड्रोन ने मचाई तबाही, क्या रूस के मिसाइल हमलों के काट हैं अमेरिकी नैसेम्स, और खेरसोन को लेकर क्यों बेचैन है पुतिन। यूक्रेन के वॉर जोन से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं महायुद्ध टॉप 9। रूस और यूक्रेन के बीच ईस्टर्न रीजन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन ने वॉर जोन का एक वीडियो जारी कर लुहांस्क में रशियन आर्मी के ईंधन डिपो समेत कई हथियारों को नष्ट किए जाने का दावा किया है। वीडियो में डिब्रोवा के पास ड्रोन हमले को दिखाया गया है। वॉर जोन से रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी आर्टिलरी से जबरदस्त अटैक का वीडियो सामने आया है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी फोर्स की तोपें जमकर गर्जी। यूक्रेन की आर्टिलरी फोर्स ने 8 सेटलमेंट पर रूसी हमले को नाकाम करते हुए भारी तबाही मचाई है। भीषण जंग के बीच यूक्रेन ने अमेरिका से बड़ा हथियार हासिल कर लिया है। तस्वीरें ट्वीट कर यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिकी नासा एमएस और एस्पाइड के कीव पहुंचने की पुष्टि की है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। यूक्रेन को मिले ये दोनों हथियार रूस पर भारी पड़ सकते हैं। नासा एमएस को यूक्रेन कीव में तैनात करेगा। यूक्रेनी सेना को मिले नासा एमएस और एस्पाइड गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। नासा एमएस रूसी यूक्रेन मिसाइलों को निशाना बनाने में सक्षम होगा, वहीं एस्पाइड ईरानी ड्रोन के लिए कार बन सकता है। मौजूदा वक्त में वॉशिंगटन डीसी की भी हवाई सुरक्षा को नासा एमएस सिस्टम ही पुख्ता करता है। खेरसोन को लेकर रूस की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पुतिन के ऑर्डर पर रूसी सेना यहां लगातार बारूदी बारिश कर रही है। S-300 से मिसाइल दागकर रूस ने जोलोटा बालका गांव में भीषण तबाही मचाई है। ये वो क्षेत्र है जिसे हाल ही में यूक्रेनी आर्मी ने रूस के कब्जे से मुक्त कराया है। अटोमोस यानी पूर्वी बखमुट में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच करीबी लड़ाई जारी है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है। यूक्रेनी बलों ने खुद ये वीडियो जारी कर मौजूदा हालात को बयां किया है और शहर पर दोबारा कब्जे तक रूसी संघर्ष का संकल्प दोहराया है। रूसी कब्जे वाले ज़ापोरिज़्या एटमी प्लांट से एक बार फिर एटमी तबाही की आशंका बढ़ गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ज़ापोरिज़्या एटमी प्लांट पर यूक्रेनियन आर्मी ने बैक टू बैक 7 कैलिबर मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के इस हमले से रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ गया है। रशियन रक्षा मंत्रालय ने बक M2 से यूक्रेनी हाइमर्स हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को टारगेट करने का दावा किया है। रूस के बक M2 में 40 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को हिट करने की ताकत है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी फोर्स का भीषण अटैक। यूक्रेन के कई सैनिकों ने एक साथ रूसी पोस्ट पर धावा बोला। दक्षिणी फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के इस हमले में 14 रूसी सैनिकों के मारे जाने और तबाह किए जाने का दावा है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।